पुलवामा हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हमले के तुरंत बाद अलग अलग ऑपरेशन में शहीद हुए उत्तराखंड के मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र और शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को सेना मेडल के लिए चुना गया है। देहरादून के मेजर चित्रेश बिष्ट इसी साल 16 फरवरी को राजौरी के नौशेरा सेक्टर में शहीद हुए थे। दरअसल आतंकियों ने LOC पार कर यहां IED लगा दिया था और इसी को डिफ्यूज करने के दौरान विस्फोट होने से मेजर चित्रेश शहीद हो गए। उनके शहीद होने की खबर उस वक्त आई जब उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। एक माह बाद ही उनकी शादी होनी थी जिसके कार्ड भी बट चुके थे। मेजर चित्रेश की शहादत के दूसरे दिन 18 फरवरी को उत्तराखंड के ही मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल शहीद हो गए। दरअसल 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकवादियों ने CRPF के काफिले पर फिदायीनी हमला किया था जिसमें 3 दर्जन से अधिक जवान शहीद हो गए। तब सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर कार्रवाई की। इसी दौरान दो खूंखार आतंकियों को मार गिराने वाले मेजर विभूति भी शहीद हो गए। 34 वर्षीय मेजर विभूति ढोंडियाल 3 बहनों के इकलौते भाई थे। विभूति की शादी 1 साल पहले कश्मीरी पंडित निकिता कौल से हुई थी। शहीद पति के पार्थिव शरीर को सलामी देते हुए निकिता की तस्वीरों ने हर किसी की आंखों को नम कर दिया था। देश के लिए जान कुर्बान करने वाले इन वीर जवानों को नमन। जय हिंद।